नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इस समय राजधानी पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हम आपको बता दें कि राजधानी पटना के मानसराय में एक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी खबर क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हर दिन किसी न किसी घटना को अपराधी अंजाम देते आ रहे हैं। बात अगर राजधानी पटना की करें तो यहां क्राइम का ग्राफ अचानक बढ़ गया है। ताज़ा घटना मानसलामी थाना क्षेत्र से महज कुछ ही दूरी की है, जहां अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। ताज़ा मामला मानसलामी थाना क्षेत्र के पटना घाट रेलवे लाइन के पास का है, जहाँ पर अपराधियों ने एक युवक पर चाकुओं से प्रहार किया है, जिसके बाद युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। आनन फानन में युवक को NMCH अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज के क्रम में युवक ने दम तोड़ दिया। जिस युवक को चाकुओं से गोद कर हत्या की गई है उसका नाम गोलू कुमार है। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि घटना की सूचना स्थानीय मानसलामी थाना को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची है। हालांकि दिन दहाड़े इस हत्या से मानसलामी थाना की पुलिस की पेट्रोलिंग पर कलई पुलिस की पेट्रोलिंग की कलई खुल गई है कि महज थाने से 100 मीटर की दूरी पर एक युवक की सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और पुलिस मुंह ताकते रह जाती है। हम आपको बता दें कि आज सुबह ही चौक थाना क्षेत्र में एक युवक की सुबह ही सोए हुए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद राजधानी पटना में लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठ खड़ा हुआ है। सरेआम अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर सीधे पटना पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राजधानी पटना के पटना सिटी में जिस तरह से आज सुबह से दो हत्याओं की घटना को अंजाम दिया गया है, उससे पुलिस की पेट्रोलिंग की कलई खुलती हुई दिख रही है और अपराधी सरेआम पुलिस को ठेंगा दिखाकर हत्या पर हत्या की घटना को अंजाम देते आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों घटनाओं के पीछे आखिर कौन अपराधी हैं और किस मंशा से इन अपराधियों ने इन दोनों घटनाओं को अंजाम दिया है, यह देखने वाली बात होगी। और कब तक इस मामले के दोनों आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं, यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।